ओम महालक्ष्मी नमो नमः। कार्तिक पूर्णिमा पर 8 नवंबर को लगेगा चंद्र ग्रहण। आइए जानते हैं चंद्र ग्रहण का तुला राशि पर प्रभाव, भारत में कब दिखेगा ग्रहण, सूतक काल, प्रभाव और सावधानियां। इस बार कार्तिक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लग रहा है। कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर 2022 को है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले इस चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, साल के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अब साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह साल का आखिरी ग्रहण और आखिरी चंद्र ग्रहण भी है। यह चंद्र ग्रहण इस बार कार्तिक पूर्णिमा को लग रहा है। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा 2 दिन यानी 7 और 8 नवंबर 2022 को है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है, यानी इस प्रकार इस बार की देव दिवाली चंद्र ग्रहण की साया में मनाई जाएगी। आपको बता दें, कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण का मोक्ष शाम को 6:18 पर होगा। पंचांग के अनुसार देव दिवाली हर साल कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन देवी देवता धरती पर आकर दिवाली मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को लाखों की संख्या में भक्तगण गंगा स्नान करते हैं और यथाशक्ति दान करते हैं। इस बार चंद्र ग्रहण और देव दिवाली एक ही दिन होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का महत्व और बढ़ गया है। अब जानते हैं 8 नवंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का समय। साल 2022 का दूसरा चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 8 नवंबर को दोपहर 1:32 से शाम 7:27 तक लगेगा, जो कि भारत में दिखाई देगा। अब जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण भारत में कब दिखाई देगा। भारत में यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 8 नवंबर 2022 को शाम 5:32 से शाम 6:18 तक रहेगा, यानी शाम 5:32 से लेकर 6:18 तक यह चंद्र ग्रहण रहेगा। आपको बता दें, साल 2022 का आखिरी और साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत समेत दक्षिण पूर्व यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में नजर आएगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल का समय ग्रहण के शुरू होने के 9 घंटे पहले लग जाता है। ये चंद्र ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य होगा। अब जानते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहे। ग्रहण काल के दौरान चांद को ना देखे, इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। इस दौरान नोकदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का उपयोग न करें। साथ ही इस दौरान मुंह में तुलसी रखकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ग्रहण समाप्त होने पर शुद्ध जल से स्नान करें। माना जाता है कि ग्रहण के दौरान चांद का गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक रहता है, ऐसे में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं चंद्र ग्रहण का विभिन्न राशियों पर कैसा प्रभाव रहेगा। आपको बता दें कि 8 नवंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण मेष राशि पर लगने वाला है। मेष राशि के जातकों पर चंद्र ग्रहण का बेहद अशुभ प्रभाव दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव की वजह से मेष राशि के जातकों को धन की हानि हो सकती है, साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त मेष राशि के लोगों को सलाह दी जाती है कि आप कहीं पर भी धन का निवेश न करें, वरना आपका पैसा डूब सकता है। इस समय में आप मानसिक रूप से चिंतित
और विचलित रह सकते हैं। बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचे। आपको बता दे, मेष राशि के साथ साथ वृषभ राशि के जातकों पर भी चंद्र ग्रहण का प्रतिकूल असर दिखेगा, क्योंकि आपकी राशि से 12वीं राशि में यानी मेष में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ऐसे में आपको आर्थिक स्थिति को संभालने की जरूरत है। आपको इस ग्रहण के प्रभाव से धन हानि हो सकती है। अनिद्रा और चिंता भी बनी रह सकती है। मेष वृषभ के साथ साथ कन्या राशि पर भी इस चंद्र ग्रहण का प्रतिकूल असर रहेगा। जी हाँ, इस चंद्र ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव कन्या राशि पर रहेगा। इस वक्त आपको परिवार और रिलेशनशिप में कुछ कड़वे मामलों से गुजरना पड़ सकता है। आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा। वाद विवाद से बचे। आपके खर्चे काफी बढ़ सकते हैं। इन तीन राशियों के साथ साथ इस चंद्र ग्रहण का तुला राशि पर भी अशुभ प्रभाव पड़ने वाला है। ग्रहण के अशुभ प्रभाव की वजह से इस वक्त आपके घर और नौकरी में आपको काफी बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। धन को लेकर भी आपको काफी चुनौतियां आ सकती है। वाद विवाद से बचे और अपनी सेहत का ख्याल रखें। इन चार राशियों के साथ साथ वृश्चिक राशि पर भी इस चंद्र ग्रहण का काफी अशुभ प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में काफी परेशानियां पैदा करने वाला माना जा रहा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। आपका धन अटक सकता है। सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती है। कोई गुप्त चिंता आपको परेशान कर सकती है, तो संभल कर रहे, साथ ही वाद विवाद से बचे। तो दोस्तों, इस चंद्र ग्रहण का मेष, वृषभ, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि पर काफी अशुभ प्रभाव रहेगा। इन राशि के व्यतिरिक्त दूसरे राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का मिला जुला प्रभाव रहेगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस चंद्र ग्रहण पर सारे नियमों का पालन आप अवश्य करें। चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर आप इस समय में महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। धन्यवाद।